अस्सलामुअलैकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हूँ अपने वादे के साथ। ये मेरे पास ना कीमा पड़ा हुआ था, फ्रीज किया हुआ, इसमें मसाले वगैरह मैंने डाले हुए हैं। मैंने भी सोचा मैं कि इसके क्यों ना हम कीमे वाले नान बनाते हैं। इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा मसाला और डालूँगी, गर्म मसाला और खुश्क धनिया, बस बाकी सारे मसाले इसमें ऐड किए। ठीक है, ये आपके सामने है, इसमें आपके सामने सब मसाले डालूंगी वाले ना। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसमें खुश्क धनिया, ये देखिए, इसको भी 2 चम्मच डाल दिए हैं, 1 चम्मच और डाल दूँगी। मुझे खुश्क धनिया बड़ा सब पसंद है, क्योंकि ना जब नान हो, कबाब हो, या कुछ हम लोग कोफ्ते बनाएं, उसमें खुश्क धनिया ज़्यादा डालें, इसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है ना। इस खुश्क धनिया की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, अभी दिखाती हूँ आपको। जी गाइस, मेरे पास ना थोड़ा सा वो टिक्का मसाला पड़ा था, वो मैं थोड़ा ऐड करने लगी हूँ। मैं कहा चलो इसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आ देखते हैं कैसा बनता है। इसका फ्लेवर डाल रही हूँ, ये देखते हैं आपके सामने, अब ये सारा मिश्रण डाल दूँ। ठीक है जी गाइस, अब इसको इसके अंदर मैंने टिक्का मसाला डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा खड़ा मिर्च डालूंगी। ये देखें, ये मैं इसे डालूंगी क्योंकि नान की मैं नान होते हैं ना ज़्यादा थोड़े से स्पाइसी मज़े के लगते हैं। मैंने इसमें स्पाइसेस कम डाले थे, इससे मैं थोड़े से दोबारा ऐड करूँ, क्योंकि नान जो होते हैं मज़ेदार तभी लगते हैं जब स्पाइसी हो। वैसे मैं खाना बहुत कम स्पाइसी बनाती हूँ, मेरा लाइट मसाला होता है, आपने तो देखा ही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी जितनी भी मेरी वीडियो आई हैं उसमें मैंने काफ़ी मिर्च मसाला यूज़ किया है। अब ये देखिए, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। जी गाइस, ये देखिए मैंने इसको सारे मसाले डाल के आपके सामने मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके पेड़े करूँगी। पेड़े इसलिए क्योंकि ये मैं नान घर में नहीं बना रही, इसलिए मैंने इसका मटीरियल बनाया है। ये नान हम बाज़ार से लगवाएंगे, मेरे हस्बैंड जाएंगे बाज़ार में लगवाने। काश मैं भी जा सकती हूँ, आपको वीडियो दिखा सकती, पर मैं नहीं जा सकी। तो अभी मैं आपके सामने पेड़े करूँगी, आपको पेड़े दिखाऊँगी, फिर मैं अपने सबको भेजूँगी। जब नान आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं चेक करवाऊँगी कैसे ज़बरदस्त बने हैं। अन करीब इंशाल्लाह ताला मैं अपने घर में खुद नान बनाने रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी, लाजमी बनाऊँगी। चलिए मैं पेड़े बनाती हूँ इसकी। जी गाइस, ये देखिए मैंने आपके सामने पेड़े बना लिए हैं। अभी जब ये भाई लेके जाएंगे होटल में तो वो जाके सही तरह अच्छी तरह कर लेंगे। जब उसको नान में ऐड करेंगे फिर वो अपने हिसाब से इसको अंदर उसके अंदर मिक्स करके इसको बना लेंगे नान को। मैंने अपनी तरफ से पेड़े बना लिए, क्योंकि जब इंसान जब हम लोग भाई से नान लगवाते हैं तो ऐसे हम लोग पेड़े कट के इसके कीमे के हम लोग ऐसे ही दे के आते हैं, तो फिर नान वो लगा देते हैं उसमें, फिर पैक कर देते हैं। ठीक है, फिर जब घर में नान आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये भी मैं जी गाइस, ये देखें नान बन के आ चुके हैं, अभी मैंने निकाले नहीं है। मैं क्या पहले मैं आपको दिखा दूँ, बहुत माशाल्लाह गर्म गर्म में लगता है, बहुत मज़े के ही बने हैं। तो कितना बड़ा नान है, ये देखें नान का साइज़ देखें कितना बड़ा है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसा बना, मुझे भी बड़ा और है कि मैं देखूँ कैसा ज़बरदस्त बना है कि नहीं बना, और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। जी गाइस, ये देखें, ये देखिए मैंने निकाल लिया प्लेट में, ये देखिए तो ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखिए तिल वाले बड़े बड़े नान, और ये देखें बाकी ये नान कितने सारे हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी मैं आपको ना इसको काट के पीस करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े हैं, मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी गाइस, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे ये कीमे वाले नान। दे लें, हमारे घर में कीमा पड़ा था, मैंने इसको यूज़ कर लिया। ऐसी चीज़ को ज़ाया मत करें, और कोशिश किया करें कि आप कुछ ना कुछ उसका बंदा बना लें। ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ों से कुछ बनता नहीं, बहुत कुछ बन जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त, मुँह में पानी आ गया, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए साथ रहता भी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी, ये देखिए अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी, ये देखिए मैं टेस्ट करके करने लगी, ये देखिए, ये देखिए बिस्मिल्लाह,
बहुत कमाल के, ज़रा भी स्पाइसी नहीं। वैसे मैंने ये सोचा था शायद स्पाइसी बने, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत कमाल के बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह A1। मैं ये खीरा भी खाने लगी साथ। ओके गाइस, इसके साथ ही मुझे याद है नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी मैं खा रही हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही। नेक्स्ट मिलेंगे इंशा अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें, आगे मेरा चैनल पहुँचाएँ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।